हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी हिंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टिकट क्लर्क तथा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी को लेकर एक अपडेट जारी हुआ है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी वैकेंसी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिस पर, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल नोटिस है। इसके लिए अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 24 मार्च 2020 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 23 अप्रैल 2020 तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। तो चलिए हम इसकी अगली एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसके लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ALP, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, JEE PV और JEE वर्क, JEE सिग्नल, JEE टेली की वैकेंसी है। तो चलिए हम इसकी वैकेंसी वाइज डिटेल की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की पहली वैकेंसी है, और इसके लिए अगर हम पे बांड की बात करें तो 5200 से 20200 रुपये विद पे बांड 1900 से लेवल 6 के अनुसार रहेगा, नहीं लेवल 2 के अनुसार रहेगा। टोटल 324 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, और आपके पास पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ITI डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेन मेंटेनेंस और मशीन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल होगा। तो अगली वैकेंसी की बात करें तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। तो इसके लिए वैकेंसी की बात करें तो इसके लिए 63 वैकेंसी हैं, और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% के साथ। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और CVT होगा। तो अगली बात करें हम तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इसके लिए टोटल 68 वैकेंसी है, और इसके लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। इसके लिए टाइपिंग भी होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो अगली वैकेंसी है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। इसके लिए 84 पोस्ट हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं, इसके लिए 70 पोस्ट हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। तो इसके लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा दोनों के लिए। और अगली पोस्ट की बात करें तो JEE PV की है। इसके लिए टोटल 3 पोस्ट है, और एलिजिबिलिटी की बात करें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और इसके लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा। तो अगली बात करें हम जूनियर इंजीनियर सिग्नल की। इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है, और इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए विद पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। और JEE वर्क की, इसके लिए 2 वैकेंसी है, इसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए। और इसी प्रकार JEE टेलीकम्युनिकेशन की, इसके लिए 2 वैकेंसी, इसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 0 रहेगी, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस वैकेंसी की ये है कि ये वैकेंसी केवल उन लोगों के लिए है जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉई हैं, मतलब इस साउथ ईस्टर्न रेलवे में रेगुलर जॉब करते हैं। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है, बाहर के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।